अब यूएस की भी बात कर लेते हैं इसी उसमें, वहाँ पर भी रिसेंटली लॉ पास हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा जब प्रोटेस्ट हुए ना अक्टूबर 7 के बाद, तो 95% जो प्रोटेस्ट थे वो प्रो पैलेस्टीनियन थे, वाओ, और 5% जो थे, ये और ग्लोबल नंबर्स हैं उसमें, यूएस भी इंक्लूडेड है, 5% थे जो प्रो इसराइल थे, राइट, और बहुत सारी जो प्रो, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जी जी, बहुत बहुत बिग डिफरेंस. तो अब जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट थे इसमें बहुत सारे जो यहूदी ऑर्थोडॉक्स हैं या और भी प्रैक्टिसिंग यहूदी, वो भी इस साथ में, बिल्कुल ऐसे, दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ज़ायनिज्म, बिल्कुल ठीक है, आई मीन इनके अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो ये बिलीव ही नहीं करती कि इज़राइल एज अ स्टेट शुड एग्जिस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अल्लाह सुबहान तआला ने अज़ाब दे रखा है, और हमें ये जो ना अपना मुल्क नहीं, हमें ज़मीन नहीं मिलेगी, हमसे यही कहा गया, तो वो ज़ायनिज्म के खिलाफ है.